नमस्कार दोस्तों, किसान मित्र रिंकू यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। तो भाइयों, आज मैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं में हूँ और यहाँ पे मुझे ना एक बहुत ही क्रिएटिव किसान साथी मिले जिन्होंने ना अपने आयसर के साथ कुछ अलग कर रखा है। भाइयों वो चीज़ दिखाऊंगा आज मैं इनके साथ। ना काफ़ी पुराना ये आयसर ट्रैक्टर है। कौन सा मॉडल होगा भैया? ये सन 97-98 मॉडल ट्रैक्टर है भाई, और पुराना ही ख़रीदा था इन्होंने। तो इसमें जो इन्होंने कुछ अलग मॉडिफिकेशन की है उस चीज़ को दिखाऊंगा आज, और इस ट्रैक्टर के बारे में पूरी पूरी जानकारी लेंगे कि किस किस काम में इसे यूज में ले रहे हैं। तो भैया एक बार नाम पता बताओ यार। नमस्कार जी, मेरा नाम रवि चौधरी, गांव रामपुरिया, जिला बदायूं, तहसील बिलसी, थाना उगैती के रहने वाला हूं मैं। अच्छा भैया, तो जैसे देख रहा हूं अभी पूर्ण रूप से खेती किसानी कर रहे हो अभी एक के खेत में, गन्ने वन्ने की मतलब काम चल रहा है तुम्हारा, और देख रहा हूं कि काफी पुराना आयसर ट्रैक्टर है आपके पास। हां जी, तो इसके बारे में जानकारी दो, कब खरीदा? ये सर ये सन 98-97 का ट्रैक्टर है जी। अच्छा, और ये ट्रैक्टर तुमने कब खरीदा? ये करीब हमारे पास 3-4 साल हो गए हैं, हमने किसी और से खरीदे थे। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि हमारा एक मेहनत फैक्ट्री है, उसके लिए काम यूज करते हैं। ऊपर से मतलब गन्ना की ढुलाई है छोटी, थोड़ा बहुत 20 क्विंटल पलटी कराने के लिए, तो उसके लिए भी है। ऊपर से हमें पानी की सख्त जरूरत थी। हाँ हाँ, उस चीज के बारे में पूछूंगा भाइयों। इन्होंने जो मैं बता रहा था वो चीज दिखा दूं, ये अल्टरनेटर फ्रंट में अल्टरनेटर लगा। हाँ जी, और ये अल्टरनेटर है, इस पे हम बेल्ट चला के इसी से बहुत ही स्लो रेस में और कम खर्चे में अपना पूरा बिना बिजली के पानी ले सकते हैं। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, इसका आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया, किसी मिस्त्री ने सलाह दी, क्या मामला था, कहीं चलता देखा? नहीं, हमने चलता नहीं देखा, क्योंकि हमने देखा था कि इंजन पे चलाते हैं लोग। हाँ। तो हमने कि ये भी इंजन ही है, तो हमने सोचा था ज्यादातर लोग क्या है ना पीछे लगा के पीटीओ पे चला में इस चीज को, और तुमने बिल्कुल फ्रंट पे ही इसका मामला बना दिया। फ्रंट पे चलाने से ऐसा हमारा साथ में रहता है, सबसे बड़ी मेन बात ये है, हमारी ये साथ में रहता है। हमें कहीं पे भी पानी की जरूरत पड़े, चाहे घर पे या कोई, ऐसे हमारे मित्र भी होते हैं गाँव वाले, तो वो भी कहते हैं कि वो हमें पानी की सख्त जरूरत है, तो हम उनको भी भरवा देते हैं। अच्छा। कि भर लो इससे, क्योंकि गांव में लाइट की तो दिक्कत ही जानती हुआ काफ़ी होती है, मगर ये काफ़ी एक्टिव है और हमें अच्छा लगा। मैंने अच्छा। आगे रखा रहेगा तो ट्रैक्टर में भी कोई लोड नहीं आएगा। अच्छा, जो बढ़िया चला इस वजह से एक बेल्ट अलग रख रखी है आपने? हाँ जी, हाँ जी, ये एक अलग बेल्ट है, इस पर अलग यहाँ लगा देते हैं इसमें। अच्छा, इस पर लग जा आराम से। जी जी जी, लगा के इधर तो स्टार्ट करके, तो ज्यादा लोड तो ना ले इस पे? बिल्कुल लोड नहीं लेता, बहुत ही स्लो रेस में, बड़े मजे में। अच्छा, किलोवाट में हमें तो कितने किलोवाट का आयु? ये 7.5 का है। 7.5 का आयु? जी जी, हाँ जी, ये 7.5 का है। तो ये तो खेतों वाली मोटर भी चला देगा, बड़ा सा मर्जी हो उसे भी? नहीं, ये 2.5 इंची की मोटर चला सकता है, 2.5 इंची चला सकता है। 2 फेज में, 3 फेज में नहीं है, 2 फेज है। इससे जो बड़ा आता है वो 3 फेज में आता है, चला उसको भी सकता है, मगर वो पीटीओ साबिट से चलाता तो है। इस पे इंजन लोड तो ना ले? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल इंजन लोड नहीं लेता है, बहुत ही स्लो रेस में चलता है और काफी एक्टिव चलता है, बहुत बढ़िया चलता है। और अच्छा बढ़िया चले, यूनिक ट्रैक्टर है। अच्छा ये चीज और बताओ, जैसा भी देख रहा हूँ गन्ने का खेत है और तुम तो ट्रैक्टर पे ट्रॉली मतलब गन्ना ढुलाई के लिए लाए हो। जी 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 जी, कितनी खिंचाई कर ले गन्ने की? ये आराम से 50 क्विंटल गन्ना भर के ले जाता है, ले जा आराम से। अच्छा हाँ जी। अच्छा जैसे ये आगे लगा है जैसे, तो इससे उठने की समस्या में कुछ ना कुछ सुधार आया होगा, क्योंकि वजन आ गया। वजन आ गया, तो उठता भी नहीं है उतना, उठेगा भी नहीं, वजन काफी है इसमें, कभी कभी। तो बोनट है इसका? बोनट आया ही ना पीछे से? ना बोनट इसका है, हमने बोनट उतार दिया इसका, बोनट था, सो चीज थी, आगे भी काफी चीज थी हाइड्रोलिक वगैरह की, वो सब निकलवा दी हमने, क्योंकि हमें सादा रखना था। अच्छा ये आपने फिट कर लिया है, किसी पे करवाया? ये बताओ मुझे। हाँ ये मिस्त्री पे करवाया, क्योंकि हम तो करने नहीं जानते थे, ये चीज जो है वेल्डिंग वगैरह है वो मिस्त्री करता है। मिस्त्री भाई देख लो, आइडिया हमारा था इस तरीके से, इन्होंने फिटमेंट कराया है, आइडिया हमारा था, मगर मिस्त्री को लगा के हमने। अच्छा ये मुझे लगा कि इस पे ही फिट हो सके, क्योंकि आगे और ट्रैक्टरों में रेडिएटर आ जाए फिर। जी जी, तो फिट ना हो पाएगा, इसी पे फिट हो सकता है। हाँ भाइयों, और अगर किसी और ट्रैक्टर पे लगाओगे तो वो साइड में लगेगा, साइड में लगेगा, रेडिएटर आ जाता है इस पे। तो भैया भाइयों बहुत शानदार जुगाड़ हो गया, क्योंकि बिल्कुल फ्रंट पे आ गया, एक तो वेट का काम कर रहा है, दूसरा ट्रैक्टर इस पे बोनट भी लग सके, आगे से पता भी ना पड़ेगी कि अंदर आप अल्टरनेटर लगा रखा है, पता भी ना पड़ने की है। अल्टरनेटर लगा हुआ है, यहाँ तक बोनट आता है, इतना हिस्सा बाहर रह जाएगा इसका, बाकी सब बाहर भी ना थोड़ा सा बोनट बढ़वा लो, क्या दिक्कत है भाई, बोनट भी बढ़ के यार लग जाएगा, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करा लो आसानी से काम हो जाएगा। और भाई ये ट्रैक्टर ज्यादा पैसे में भी ना आते, कम पैसे में ही आ जाए। कितने? 50,000 रुपए में पड़ गया? हाँ तो 50-60 के लपेट में काफी शानदार ट्रैक्टर मिल जाते हैं भाइयों। ये सादा आयसर है, 7 गियर वाला, 7 गियर वाला ना भैया? जी जी, 7 गियर वाला ही, 7 गियर वाला है, पीछे से भी दिखा दो। ये ट्रैक्टर शायद अब मिलेगा भी नहीं, सारे बहुत कम ही ट्रैक्टर आ गए हैं। अच्छा लिफ्ट चल रही है इसकी, हाइड्रोलिक जो हो ना चल रही ना? नहीं भाइयों, हाइड्रोलिक काम ना कर, हमने खत्म कर दिया ना उसका। अच्छा अच्छा, हाइड्रोलिक का जो आगे का सिस्टम है निकाल दिया। हां वहीं से चलती है, आपने जनरेटर लगाया वहीं पे, इसका पंप वगैरह लगा, हमें इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम तो दूसरा जाने।
जैसे इतना पुराना है, क्या शानदार आवाज निकालता है, क्योंकि ये हत्थी से स्टार्ट है, जैसे हैंडल स्टार्ट बोलते हैं, और गरारियों वाला सिस्टम है इसमें, इससे कुछ इजी स्टार्ट हो जाता है ट्रैक्टर। ये देखो भाइयों, लीवर सा डालना पड़ा है इसमें, तब हो स्टार्ट आराम से। हाँ ये देखो भाइयों, क्या बढ़िया आवाज़ और शानदार। अच्छा, इसके आवाज़ को सब पहचान लें दूर से ही, कहा सर चल रहा। हाँ भाइयों, बहुत ही प्यारी गोली चोट आवाज़ है, और हर किसान साथी, हर आदमी इसके आवाज़ को पहचानते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, इंजन साथ का ही चल रहा है, ऐसा लिया करा लिया? साथ का ही चल रहा है इंजन। अच्छा, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सर्विस होती है इसकी बस। एवरेज क्या मान है इसका, घंटे का? तो मानो मत ऐसा है, वो करीब 5 किलोमीटर। हाँ, 100 रुपये में। अच्छा, और 5 किलोमीटर 4 चक्कर लगा देता है, 100 रुपया में 25 किलोमीटर 100 रुपये में चल जाता। अच्छा, 100 रुपया में 25 किलोमीटर चल जा, तो एवरेज तो बढ़िया। अच्छा, ज़्यादा लोड डाल दो तो एवरेज ज़्यादा कम तो ना देता? 3 किलोमीटर है। हाँ, अगर एक गिलास 250 ग्राम तेल, हाँ 200 ग्राम ही लगेगा, और 250 ग्राम लगेगा भी। हाँ, इसकी एक कुंडरिया है छोटी सी। अच्छा अच्छा, उसमें अगर तेल है तो मैं यहाँ से नया अपने फोन के लिए यहाँ से लेकर चला जाता हूँ, उसमें भी बच जाता है। बढ़िया यार, 200 ग्राम तेल में मेरे 3 किलोमीटर का गाँव, 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर ये तो बढ़िया यार, तुमने तो बढ़िया ही हिसाब बना लिया। ये देखो भाइयों, सूंघ के खावे है डीजल बिल्कुल, आगे ऑल्टरनेटर लगा दिया, पुराना ट्रैक्टर है 97-98 मॉड्यूलर, काफ़ी शानदार बना दिया किसान साथी ने, बढ़िया काम कर रहा भाइयों। झोटे की कीमत में आ गया मात्र, इतने का झोटा ना आता सही से, यार ना खाएगा, वही तो कह रहा हूँ, झोटे से कम कीमत में, खर्चा सबसे कम, और काम बढ़िया कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतने का झोटा नियार खाएगा, उससे भी कम डीजल खाता है, कम डीजल खा रहा है, 50 रुपये का रोज का झोटा नियार खावा होगा, बिल्कुल कम से कम, कम से कम, और ये 50 का रोज का डीजल नहीं खा, डीजल ना खा रहा, बिल्कुल सही कह रहे हो। और एक और बात बताऊं, खास बंद कर लो चालू, एक चीज़ और खास बताऊंगा, जब ट्रैक्टर बिल्कुल भी कामयाब ना रहे, टायर भी खत्म, हर चीज़ खत्म, तो इंजन कामयाब है इसका, इंजन कामयाब है इसका। हाँ जी, ये इंजन उतार कर कहीं भी लगा लो, चक्की पे लगा लो, कहीं स्पेलर कलेसर कहीं भी लगा लो, हर जगह कामयाब है, इंजन भी बिक जाए मार्केट में। हमने 2 ट्रैक्टर बदल दिए, मगर ये ट्रैक्टर नहीं बदला हमने, अच्छा उन दोनों को बदल दिए, बड़े ट्रैक्टर गन्ना होते हैं, मगर इसको नहीं बदला हमने, अच्छा ये हमारा उनसे ज्यादा काम करता है, ज्यादा काम करे बिल्कुल। और मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा ट्रैक्टर आज भी ये मार्केट में नया है, ऐसा कोई ट्रैक्टर ना है जो आज तक इतने दिन टिका हो मार्केट में, आज भी नया आ रहा है, अभी भी खरीदने वाले आ रहे हैं इसके, इसके ना, जब तो पुराना तो आ रहा है, आज भी नया मार्केट में अवेलेबल है, अगर खरीदना चाहे कोई तो। नहीं, सादा नहीं है, सादा ना ये वाला मॉडल, आयसर काफी आ रहा है, आयसर का सिंगल सिलेंडर आज भी है, बाकी चेंजिंग कर दिए कंपनी ने अपनी तरफ से, समय को देखते हुए बदलाव करने पड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल, पावर स्टीयरिंग भी लगा दिया, हर चीज लगा के दे रही है, लेकिन आज भी मार्केट में बना हुआ है ये ट्रैक्टर, बना हुआ है, 242 और 241 काफी यूनिक और काफी शानदार ट्रैक्टर, बहुत ही बढ़िया बढ़िया आईसर में ट्रैक्टर निकल रहे हैं, क्योंकि मल्टीपर्पज वर्क में काम में आता है भाई ये ट्रैक्टर, देख लो, किसान साथी ने भी काफी शानदार दिमाग लगा के ना इसके साथ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके आगे ऑल्टरनेटर लगा दिया, और बिजली भी बना रहे हैं इससे, और भाई अपने खेती बाड़ी का भी काम कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी का न्यार खाल लेके जाना, जी जी जी, गन्ने की पलटी वगैरह करना, हाँ हकीकत बहुत ही आसानी हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों, ये थी शानदार वीडियो आयसर सादा ट्रैक्टर की, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना, और भाइयों हो सके तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ऐसी शानदार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय जवान जय किसान, सभी किसान भाइयों को राम राम।